कुल्लू जिला के गांव में आज भी पुरानी परंपरा कायम है। लोग अपने हाथों से ऊनी धागे को काटकर फिर उसे लकड़ी के बने सामायण में पट्टू व ऊनी वस्त्र तैयार करते हैं, लेकिन बाजारों में जैसे जैसे बने बनाए कोट पट्टू आए हैं, लोग उसे अधिक पसंद करने लगे हैं क्योंकि वो कम दामों में मिलते हैं। जिला कुल्लू के गांव में आज भी पुरानी परंपरा कायम है। यहां के लोग अभी भी हाथों से ऊनी वस्त्र तैयार करते हैं। स्थानीय निवासी प्यारे लाल ने कहा कि नई पीढ़ी को ऊनी वस्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही ऊनी वस्त्र बनाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वो जंगल में अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं, उस समय इस कार्य को करते हैं। उन्होंने कहा कि ऊनी वस्त्रों को खास तौर पर सर्दियों में ज्यादा पहना जाता है, इससे ठंड का एहसास नहीं होता है। प्यारे लाल ने कहा कि ये कपड़े ज्यादातर गाँव के बुजुर्ग पहनते हैं और इन कपड़ों को कम से कम 10 वर्षों तक पहन सकते हैं। उन्होंने कहा कि गाँव में वो लोग ही इस कार्य को करते हैं जिनके पास अपनी भेड़ बकरियां होती है। उन्होंने कहा कि ऊनी कपड़ों को तैयार करने में मेहनत ज्यादा लगती है। एक पट्टू को तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लग जाता है। उसके बाद पट्टी बना सा पट्टू बना वो बोल बैठे हैं हमारे कोई है इतना इकनॉलेज हमने तो बचपन से लेकर जब डंग पशु ले जाने तो फिर ये काम करना उनका तो नहीं और ये बना पकड़ रहे थे दो लाने रे कुछ हो रहा सी खोटने रे छाने रे कुछ हो रहा सी किस जैसे मर्जी पर सिलगाओ पट्टी कोट कोई भी टूटता ही नहीं तो बाकी बाकी कम कम लाना हो तो 10-12 साल भी चल सकता कोट जड़ा लाना या जैकट लानी तो है मेरे ख्याल में दस कम लानी तो 10-10 साल चल सकता पूरे गांव में। अब है कुछ कम अब थोड़े थोड़े रहे इस काम करने वाले काम हुआ जब एक कपड़ा नीचे से आया और एक कुआड़ी वाला कपड़ा में पैंट कोट बने तब बिल्कुल एक कम सारी आदत छोड़ दी सिर्फ सूती कपड़ा वो देते थे ला के यानी मलेशिया वगैरह कोई खदर थे बाकी कुछ नया ही बनते थे। इससे पहले ब्यांग थे लावा ना वो ब्यांग के बनाते थे ताना ब्यांग का बाकी है ऊन का तो अब ना ब्यांग आती है ये बने फिर इसमें हम कपड़ा सी सी ऊपर से लादा डाल के भी लगाते थे। जब अब ये बाजार में मिलते हैं ले ये कुआड़ी रहे हो चाहे कैसे हो तब ये काम छोड़ दिया। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।